एम्स में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, ओपीडी के पेशेंट्स भी आज नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, जो देश के अलग अलग जगहों से एम्स आते हैं, उन्हें भी आज निराशा हाथ लग रही है। एक पेशेंट है, आप कहाँ से आए? मोतिहारी जिला से। बिहार से आए? बिहार से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या डॉक्टर आज देख पाएंगे? नहीं, नहीं देख पा रही है। किससे बात हुई, किसने क्या बोला? गार्ड साहब ने बोले ऐसे कब तक हड़ताल रहेगा उसको पता नहीं है। आप किस डॉक्टर से मिलना चाह रहे थे और क्या बीमारी? मेरा चेतन सर से मिलना था, हमारा बीमारी कैंसर है। कैंसर है तो आज मुलाकात नहीं हो पा जी? ना, नहीं, हमको 19 तारीख को मिलना है चेतन सर से। और यहाँ कुछ बता नहीं रहे कि कब खुलेगा, सब पढ़ रहे लोग, पता नहीं है। तो आप बिहार से आए हैं अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए, आप पहले यहाँ इलाज करवा चुके हैं? हाँ, पहले से हो रहा है, साल भर पहले से हो रहा है। और भी लोग हैं, आप कहाँ से? मैं बलिया से आया हूँ। क्या बीमारी? हमारे बेटे का आँख का ऑपरेशन हुआ था, ग्लूकोमा का। मैम आज ही की डेट में बुलाई थी, शनिवार को आना, इसका स्टिच काटना है, निकालना है आँखों का। और उस बच्चे का दिक्कत है, बहुत दर्द हो रहा है और हम लोग परेशान है, हम लोगों का इलाज नहीं समय मिल पा रहा है समय से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर, कब देखेंगे? डॉक्टर का कोई वो नहीं बता रहे हैं कब देखेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। सुबह से आके हम लोग परेशान हैं, बलिया से आए हैं, यूपी बलिया। बिल्कुल, देखिए देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, बिहार के मोतिहारी से, उत्तर प्रदेश के बलिया से, और भी लोग कहीं कहीं से आए होंगे, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैम आप बताएंगी, आप डॉक्टर से मिलने आई हैं? क्या डॉक्टर दिखाने आए बच्चे को? क्या बोल रहे हैं बच्चे को? दिक्कत क्या है? डॉक्टर आज नहीं देख पा रहे? नहीं, डेट दे है ना, आज ब्लड का था तो ब्लड टेस्ट किया। ठीक है, ठीक, जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनका जरूर उनको देखा जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए, कुछ बताएंगे? कोई दिक्कत है आज अस्पताल में? डॉक्टर मिल रहे हैं? आज कोई डॉक्टर नहीं, नहीं मिल रहे। क्या बोल रहे हैं, कब तक मुलाकात होगी डॉक्टर? तो हड़ताल खत्म होगी तभी होगा, इनकी मांग क्या है वो तो सरकार। किसी ने कोई सूचना दी है कि डॉक्टर कब बैठेंगे, कब आप लोगों से? अभी तक कुछ सूचना नहीं है। तो ये स्थिति है एम्स अस्पताल, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं है पेशेंट्स को कि कब तक डॉक्टर बैठेंगे और कब उनका इलाज होगा। हालांकि कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश का जो डॉक्टर समाज है वो बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है। और एम्स में भी आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, जो फैकल्टी एसोसिएशन है वो पूरा आज यहाँ हड़ताल पर दिखाई दे रहा है। और बताया ये गया है एम्स की ओर से कि ओपीडी से लेकर तमाम जो सामान्य सेवाएं हैं वो आज बाधित रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स का इलाज होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आज अपॉइंटमेंट मिला था डॉक्टर से मिलने का, और जो पुरानी बीमारी का उनका इलाज हो रहा है उसका फॉलोअप आज डॉक्टर लेते और उसके आधार पर आगे का ट्रीटमेंट होता। लेकिन इस वक्त ये स्थिति है कि पूरी तरह से एम्स में क्योस का माहौल है और पेशेंट्स को नहीं मालूम है कि डॉक्टर से उनकी मुलाकात कब होगी, और जिस बीमारी का इलाज उनका चल रहा है आगे उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी। ये निश्चित तौर पर पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है एम्स में, क्योंकि पूरा का पूरा जो एम्स है वो इस वक्त हड़ताल पर बैठा हुआ है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।